आज असी बहुत ही डिलीशियस दाल बनावांगे, दाल मखनी जो सब दी मन पसंद है और पंजाबियों दी शान है। इस वास्ते मैंने काली साब तूरत, मोटकी दाल, राजमा और चना दाल लिया है। सब दाल को इको लेके अच्छी तरह से हमने साफ कर ली है और धो लेंगे। दाल को दो तीन पानी धो लें अच्छी तरह से और आधा घंटा तक इसको भिगो देंगे। आधा घंटा के बाद दाल हमारी अच्छे से थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब एक कुकर में 2 लीटर पानी ऐड करेंगे और इस दाल में इस बिच पा देंगे। तो थोड़े हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे, एक इसमें तेज पत्ता, एक इसमें खड़ी इलायची मोटे वाली, 3-4 लौंग ऐड करेंगे। तो एक चम्मच वड्डा इहदे विच असीं देगी मिर्च दा पा देंगे। हल्दी इसमें नहीं डालते और इस देगी मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आता है। स्वाद अनुसार इसमें नमक 2 चम्मच तेल के ऐड करेंगे और ढक्कन लगा के हम इस दाल को सीम आँच पर ही 1-2 घंटे तक पकाएंगे। सीटी बिल्कुल भी मैंने लगने नहीं दी है और सीम आँच पे दाल मेरी पकती रही है। और 2 घंटे के बाद मैंने ढक्कन खोला है, जो बिल्कुल मट्ठी आग पे ही दाल को बनाया है। तो दाल का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अच्छी तरह दाल पक गई है, लेकिन तड़का लगने तक ये पक फिर भी इस दाल को मैं पकाती ही रहूँगी। गैस मेरा ऑन ही है तो अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कौन सी रेसिपी मेरी बहुत अच्छी लगती है, बताएं। अब दाल को तड़का लगाएंगे। एक पैन में देसी घी का बड़ा चम्मच डालें, जीरा डाल के कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से पका लें। पानी से लहसुन का बहुत ही रोमा निकल के आता है तो बहुत ही स्वाद लगता है। अब 3 से 4 टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई है, इसके बीज वगैरह सभी छान लिए हैं तो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर को आप ऐसे अच्छे तरह से छान के प्यूरी बना के ही डालें। अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 चम्मच फिर से देगी मिर्च, मिर्ची पाउडर, गर्म मसाला और चना मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसमें 1 कटोरी फ्रेश क्रीम की ऐड करेंगे। आपके पास जो भी क्रीम है ऐड कर दें। मैंने घर के दूध से जो मलाई निकलती है उसको अच्छे से फेंट के इसमें ऐड कर दी है। आप देख सकते हो बहुत ही इसका अच्छे से क्रीमी टेक्सचर आया है। इसके साथ हमारी ये दाल बहुत ही स्वाद बनती है। तो दूसरी साइड मेरी दाल भी पकी रही है तो इस तड़के को इस दाल में हम ऐड कर देंगे। तो थोड़ी देर और पकने देंगे दाल को। दाल पकते पकते ऊपर ऐसे मलाई की तरह इसके एक परत बन जाती है, ऐसे ही उसी को बोलते हैं दाल मखनी। तो मखनी का मतलब भी ये है कि घी की पूरी परत आ जाती है दाल के ऊपर। तो दाल को पकते पकते मतलब काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, क्योंकि लंबा टाइम है दाल को पकाना पड़ता है, फिर ही अच्छे से ऐसी क्रीमी दाल बनती है। बहुत ही अच्छी हमारी जो दाल बन के तैयार हो गई है। तो ये दाल मखनी है, इसमें मक्खन ना जाए तो बात नहीं बनती। तो इसमें मैंने एक बड़ा टुकड़ा अमूल बटर का डाल दिया है। आपके पास जो घर का मक्खन वाइट वाला होता है वो भी आप डाल सकते हो। तो अब इसमें मैंने ये मक्खन डाला है, इसके साथ इसका और भी टेस्ट जो बढ़कर आया है। तो क्रीम डाल करके मैंने गार्निश की है। अब इस दाल को हम रोटी, नान, पराठा, चावल के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही हेल्दी हमारी जो दाल मखनी बन के तैयार हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।